जय गोपाल भाई ने, जय गोपाल। और बाबा जी खैरियत है? हाँ भाई ने, सब खैरियत है। बाबा जी आजकल बहुत तेज चलने लगे हो। भाई ने, अरे हम बुढ़ा गए न, का हमारी घोड़ियो बुढ़ाए। बाबा जी ये बात नहीं, आपकी घोड़ी अभी बुढ़ी नहीं हुई है, घोड़ी तो ये बहुत तेज चलती है। और बाबा जी, हाँ भाई ने, इतना सच झच के कहाँ जा रहे हो? अरे भाई ने, हम मोहब्बत की तरफ तो आई थी हमारे घर। अहो भाग्य बाबा जी, लेकिन बाबा जी एक बात है। वह कौन बात है बाबा जी? हमारे मोहब्बत नगर आ रहे थे, लेकिन अभी तुम्हारी चोरी वाली आदत छूटी नहीं। चोरी का चोरालीन? हम मोहब्बत तो का चोरालीन तुम्हार, बताओ। हमारा नहीं, हमारा कुछ नहीं चुराए हो, हमसे छिपा रहे हो। कहाँ छिपा रहे हो? ये क्या है भाई ने, हिमा कुछ ना है। ये क्या है आखिर, क्या है? 3 किलो सतुआ है, 5-6 किलो नमक है। 3 किलो सतुआ और 5-6 किलो नमक, यही नमक 2 गुना खाते हो भाई ने? या सेहत ऐसे थोड़े बनी है? अच्छा अच्छा, थोड़ा खाओ सही, गर पानी पियो, सेहत बनाओ। अच्छा, इसका मतलब ये सब जो पेट बढ़ रहा है इसी नमक की बदौलत है? नमक की बदौलत है। लेकिन मामा जी एक बात बताओ, क्या हमारे घर में खाना नहीं है जो सतुआ पानी बांध के आयो? अरे भाई ने, का हम तुमका खाए खातिर थोड़े लाइन है? और किसके लिए लाए हो? गड़बिठूर के मेला ही जाए थे। गड़बिठूर मेला, ओहुआ आंधर जात, आंखी पा जात, लेंगड़ा जात, कोही जात, पूरी काया पा जात। और भाई ने तुम तो जानते हो, हम कौन तीरा दातरा जाए थे, तो भाई ने बगैर तुम्हारे मुलाकात किए हम नहीं जाए थे। हम सोचे रहन गड़बिठूर के मेले जाए थे, और भाई ने तुम हूँ चलते तो बात है कुछ और रहा है। मामा जी, मामा जी, गड़बिठूर मेले की तैयारी हमने भी बना रखा है। भाई ने तुम जाइयो। हाँ मामा जी, पूरी तैयारी है। का बुढ़ापा मजाक करत हो? ये बुढ़ापे में मजाक, ये क्या है? मेले चलियो। अरे पूरी तैयारी है तो एक मिनट। मामा जी, तैयारी तो है पूरी, लेकिन बड़े भैया के पास आज्ञा मांगने जा रहा हूँ। यही खातिर तो कहे तुम मेले जाई हो ना। क्यों? अरे बड़े भैया तुम्हार इजाजत दे है ना, और बगैर इजाजत तुम मेले। ये तो बात सच है मामा जी, हम जो भी कार्य करते हैं बिना भैया के आज्ञा के कोई कार्य नहीं करते हैं। यही खातिर कहे तुम मेले में जाई। नहीं मामा जी, हम मेले जरूर जाएंगे। जो मेले ना गए तो मामा जी मेले जरूर जाएंगे। क्या आप कोई उपाय नहीं बता सकते ताकि हमें बड़े भैया आज्ञा दे दें? उपाय तो एक तो एक हमारे पास है, बताइए मामा जी। पहले जाओ विनती करो, वो तो हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। चिरौरी करो, और इसकी बात जब ना इजाजत दी है फिर कृपान खींच लियो और गर्दन पर रख दियो, कह दियो हम मरे जाई थे। फिर उसके बाद? अरे भाई की बात खींच के गर्दन पर रखियो, फिर हम आ जाई भाई। अच्छा आप आ जाओगे? और मामा जी हमें बेवकूफ बना रहे हो, कहीं ऐसा ना हो आप लाए और भरे दरबार में हमें मरना पड़े। भाई ने हिया ना मरे दिया, तुमका भरे दरबार में ना मरे दिया, और आगे जाने हमारे। कौन पैदा है हमें? आता है नहीं, बड़े बहादुर हो। क्यों? अरे भाई ने हमारा बड़ा बहादुर है। चलो देखिए, चिरौरी विनती करके गर्दन बतलवार खींच ली हो। ठीक है मामा जी, आपके कहने से यही जो उपाय आपने बताया है यही करूंगा, लेकिन जल्दी आना। उपाय ना भूलो भैया, बहुत जल्दी आना मामा जी। मामा जी आप कितने अच्छे हैं, जो हमारा ख्याल रखते हैं, हमें हमें एक एक मिनट पे कोई ना कोई तरीका बताते रहते हैं। बहुत मानित तुमका, बहुत मानित तुमका, भगवान ने जाने हम का मानित। हाँ चलो 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 जल्दी आना। हाँ चलो।
इनका सारे ने हम वतन मालित जतना चिकवा पोखरी कमानत सारी उन्हें दुश्मन है हमारी। बताओ भला पालतू हिरन मारी हम सहन की है, परिहल्लिन के घड़ा टूरी हम सहन की है, और मलेवा का पाव टूरी हम कहन हटाओ भैने यही अपन सहन की है, और चौलिया दिन ते भाई सिंह का दही ना हाथ टूरी है वही दिन ते इनका सारन का देख ले तो एक पसल खोल और इनका जानत भैया हो रहे हम कतना मानित और दुनिया में मशहूर है और जाने सकली याने मशहूर है और जाने सकल जहान और रही मेरो अरे थाम है ये माहिल मोर कयू जगह करके चुगली सारी ना मरे तो ना मरे कयू जगाए करके चुगली और करवाई कठिन लड़ाई और निकली जाए आल्हाऊ तले ते मौत नहीं है तीन माँ और खरा की रहे तू भाई और दौलत तेरी मर जाए सारी आधा उतल ये बदला लेके मान उन्हें मरे भाई के छोड़ सारी छाती वही दिली और ठंडी होई जाऊले दिन मर गई है सारी आल्हाऊ तले तू चली भैया कहत लक्ष्मी चंद के हुई है अमारताओ के मारे तलवार खींचल हुई है लेकिन उदल तुमका हिया न मरे थे आप उदल तुमका हिया न मरे थे जौने बात के सामने डाल तुम्हारी चर्चा 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 हट्टी चली भैया हो रहे हो चल भोले महोबा चल साहब इधर देखिए आपको सामने ये महोबा है महोबे में बड़े आल्हा दद्दू बैठे हैं और उधर से उधर दद्दू आते हैं आकर के देखिए आपको सामने क्या कहते क्या आपको सामने बड़े आल्हा दद्दू बड़े भैया को आपका ये दरबारी आपको करवाधि प्रणाम करता है खुश रहो डरियान बोले बड़े भैया ये बताओ हमारे महोबा नगर के क्या समाचार है महोबे नगर के समाचार बड़े भैया सब सही है लेकिन डरियान एक बात है बोलिए हमारा भ्रात उदल दरबार में नजर आता है आते होंगे क्योंकि उसके बगैर दरबार सुना सुना लगता है ये बात सही है बड़े भैया
मैंने आपका सिंहासन लगा दिया, बैठिए ठीक है, आराम करिएगा। जीते रहो रूपन, क्या बात है? बात कुछ और नहीं है, लेकिन भैया आज आपका जब जहाँ बहुत खुशी चेहरा पर है। कौन? मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, आज कोई नई खुशी क्या? नहीं, आज विशेष ज्यादा खुश नजर आ रहे हो। विशेष ज्यादा खुश? हाँ, कुछ मत कुछ है जरूर। अरे यार रूपन, आज तक तुझसे कोई बात छिपी है क्या? अरे बात नहीं छिपाए, हम तो कौली बात है, तुझे नहीं मालूम? आज गढ़ बिठूर गंगा तट पे जय दशहरे का मेला लगा हुआ है, सभी लोग मेला देखने जा रहे हैं और उनको देखकर अपना भी दिल मचल गया। यानी म्याला म्याला जा रहा गंगा मैया के दर्शन करने, गंगा मैया के दर्शन करने के लिए। ओ भैया, लेकिन बस देरी यही बात की कि बड़े भैया आज्ञा दे दें बस। यानी अब भैया हो हमारे विषय मांग लो आज्ञा, तुम्हारे विषय में? हाँ, हमारे विषय में। पहले हमारी बात नहीं, बस अपनी बात पहले लगा दिया। अरे अब मांग लो, हम तो मैं साथ ढलंग चला भाई। चलो भैया से आज्ञा मांगते हैं पहले। हाँ लेकिन भूलो ना भैया, मांगो जरूर आज्ञा। हाँ बाद में बात तुम्हारी हो जाएगी। भैया भूलो ना, खड़ा क्या बात है? कुछ नहीं या का कौन बात है? प्रणाम भैया, खुश रहो। क्या बात है? ये बताओ उदल। हाँ बड़े भैया, तुमने रोपण क्यों मारा? बड़े भैया एक बात को 50 बार रिपीट करता है बदतमीज। हाँ बड़े भैया, क्यों या के बात कहे हम 50 बार रिपीट न करें तो हम भूल ही जाए थे। कम से कम दिमाग में बैठा लिया करो। अरे दिमाग में बैठाई का, दिमाग में मुर्गी अंडा रखे, पागल हो गया कहीं का? बात करो। दिमाग में तुम्हारी जगह नहीं है, अंडा अंडा रखे और कहीं जगह नहीं मिली उसको। अच्छा बड़े भैया, उदल आ हमारे सामने बैठो, आखिर क्या बात है? बड़े भैया मैं बैठने ही कुछ कहने के लिए आया हूँ, सुनिए बड़े भैया। बड़े भैया गुस्ताखी माफ हो, भैया पहले हमारे विषय मांगो। बड़े भैया सुनिए, और तेरे गंग का पर्व है मेरे भैया चतुर सुजान, तेरे गंग का पर्व है मेरे भैया चतुर सुजान, और आज्ञा पाऊं
दल। हाँ बड़े भैया, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बड़े भैया, क्या बात है? ये मुक्त का झगड़ा लेता और फिर मोल तू मुक्त का, ये मुक्त का झगड़ा। यानी मानना चाहते हो ना बड़े भैया, अगर गंगा स्नान की आज्ञा हमें नहीं मिली तो आपके भरे दरबार में आत्महत्या कर लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें गंगा स्नान करने के लिए इजाजत नहीं दूंगा। अगर मानना चाहते हो तो मर जाओ बड़े भैया। हाँ मैं सही कहता हूँ, अगर मानना चाहते हो तो मर जाओ, लेकिन मैं हुक्म नहीं दूंगा। बड़े भैया आप मुझे मरते हुए देख सकते हैं लेकिन गंगा स्नान की आज्ञा नहीं दे सकते? नहीं, कभी नहीं। अरे आज मैं तुम्हें मरता हुआ देखना चाहता हूँ। अरे बड़े बड़े भैया, मैं तो मजाक कर रहा था, आप आज्ञा दे दीजिए ना। आप मरिए, आज मैं देखूंगा, लेकिन गंगा नहाने के लिए तुम्हें हुक्म नहीं दूंगा। लेकिन बड़े भैया आपको मालूम होना चाहिए, पूदल की तलवार जब गंगा से निकली है कभी खाली नहीं गई है। तो ठीक है, देर किस बात की, मर जाओ। ठीक है, अभी दिखाते मर के। मैं देखता हूँ ये तो बाटी। हमने बड़े भैया से इस तरह बोल तो दिया लेकिन मामा जी पता नहीं आए कि ना आए। भैया फिर मरने जा रहे हैं? मर जाओ। हाँ मर जाओ, आज्ञा नहीं मिलेगी, मर जाओ। कुछ नहीं बड़े भैया, मरने जा रहे हैं। ए अमर गुरु, मेरी रक्षा करना। मामा जी जल्दी आना, जिस तरह आपने कहा था वही करने जा रहे हैं। भैया भी मरने जा रहे हैं, मर जाओ। जय अमर गुरु।
हमें लगता है धोखा ही होगा क्या। अरे अभी मामा की घोड़िया की टापू की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है, इसका मतलब धोखेबाजी है। भैया मने जा रहे फिर हम, और ये नंबर दो। कुछ नहीं भैया मरने जा रहे हैं। अरे मामा जी कहाँ मर गए, अब तो हमें लगता है मरना ही पड़ेगा। दो नंबर हो गए लेकिन, और नंबर ढाई। अरे भैया मरने जा रहे हैं, जान बहुत मुश्किल से निकलती है। मामा जी अब जा रहे हैं मरने, और नंबर पौने तीन। अरे कहाँ कोई पकड़ लिए क्या तुमको, मैं लगता है अमर गुरु नहीं आने दे रहे हैं। भैया बस एक मिनट का समय, बस जा रहे मरने। जय अमर। और ये भैया तलवार रखी हो? अरे मामा जी ये हमेशा हाथ में रहती है। और यो ऐसे हटी हटी मामा जी। अरे आप पूछा ही दे हो। अरे मामा जी पहले बात तो सुनिए, इतनी देर कहाँ लगा दिया, कह रहा हूं तुमका हिया ना मरे गया। अरे मामा जी और क्या वैसे हो गया, एक मिनट आप नहीं आते तो हमारी जान चली जाए। लेकिन मामा जी मेले जरूर जाएंगे। भाई ने आला से बात कर रही दे हो। बात ही ना पर जाए, जहां मामा नाट हुआ खून खराबा। लालू भैले आला क्या बात है मामा, या कहां करी दिया है एक भाई बब्बुर का ठूठ हंस बैठ कर राजी कर रहे, और एक भाई अपने आप में क्या कर रहे, कहा हो यह कहती हुई हो उदल मर जाए मोहब्बत राज हमका मिल जाए। देखो मामा ये बात नहीं है, और मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो भाई ने यह तो हम पूछा चाहिए था। तो सुनो सुनो भाई ने, भाई ने हाँ क्या बात है मामा, भाई ने अरे क्यों रखी पहले सुन ली हो कान खोल के, अरे क्यों रखी ये उदल गले की पानी है, क्यों रखी बात क्या है भांजे बलवानी है, बात क्या काहे गर्दन पर तलवार रखी। ठीक है मामा का बात है, मैं आपसे जरूर बताऊंगा। बताओ बताओ रे हम यहाँ कहा कि यहाँ कहा तू ये मोहबे के राज हमका मिल। ऐसी बात नहीं मामा, और ना रहा और ना रहा कहना हमारा मान है, ना रहा गंगा नहाने की रात।
इतनी छोटी बात इतनी छोटी बात है बहने कहो मामा जी चले तो स्नान करने के लिए अरे क्यों मनाओ ये करते अकल है क्यों मनाओ फजूल का मना करत दिमाग फालतू में खर्चा ठीक है मामा जी मामा जी और मामा जी डर है काहे का डर बात का तौनी बात का डर और चल वहां जाए नहीं चल वहां देखो मामा जी भाई उधर को जानते हो बहुत झंझटी है इसलिए मैं डरता हूँ कि कहीं वहां तलवार बाजी नहीं कर दे भाई ने हमको तुम्हारा दुश्मन है इनका नहीं मामा जी हमारे दुश्मन नहीं है अरे भाई अपने भाई से ज्यादा भाई दे उधर घर मानता हूँ मामा जी कि आप मानते हैं लेकिन मामा जी हम पर विश्वास करो हम पर विश्वास करो गड़बी टूर के मेले हमारे साथ भेजो गड़बी टूर स्नान कराए कहा हमारे साथ भेजो देखो मामा जी हमारे साथ भेजो मामा जी सामने आओ देखो मामा जी हमसे कोई बड़े हैं और उनसे बगैर सलाह लिए हम कभी आपके साथ नहीं भेज सकता हूँ को बड़ा है तुमते देखो मामा जी हमसे हमारे बूढ़े चाचा बनास वाले वो हमारे पिता के समान है इसलिए जब तक मैं उनसे कोई सलाह नहीं लूंगा तब तक मैं उधर को आपके साथ नहीं भेज सकता देखो भैया पिता समान है वो तो पिता साथ सही खातिर हमारा मोहब्बत आवागमन नहीं हुआ जब जब मोहबान कोनो बिहाव बड़ा कारज बरत गई है मामा बगर ने उते चले आए और कौनी बात कहो तो कही है इनके बोले रहा इसे नहीं हुआ अब बताओ भला वो बनारस का टोपिया साल तुड़ू को बहुत कुछ होएगा लेकिन मामा माहिला नहीं मामा जी ऐसी बात नहीं है बुला लियो तुम बनारस वाइन को बुला लियो डर यार दिमाग खराब करे को लगाए हमारे चाचा जी को फोन किया जाए ऐसा है बड़े भैया क्या बात है बनारस जा पाए तो चार रोज जाम लगी और चार रोज आम लगी ला उनका हेत हम खून कह दे पागल हो गया क्या देखो कंजो के देखो ये तो खून कह दियो आला का खून करियो को उतर ये क्या है मालूम है मोबाइल का वो जो का है फोन ये क्या है मालूम है इसे टेलीफोन कहते हैं हाँ हाँ बात सही कहो कहते हो फोन कर दे अरे वह कहीं तब नाव नहीं आवा पागल कहीं का बस हमें बुला रहा चाचा जी का 99 36 तमाम जीरो हाँ पा हाँ देखो कंजहो का देखो तब और मोबाइल रखे रहो यह चाचा जी का नंबर करमा नहीं खाने को अम्मा चली बुझाने को 99 36 तमाम 032 हपा हप यह कौन नंबर हुआ रे यह चाचा जी का नंबर चाचा जी से लिहन है कौन कौन सीमा 99 36 तमाम 032 हचा हच पेलू सीमा पेलू पेलू सिम जान थो हाँ पेलू सिम चलत है हाँ हेलो हेलो चाचा जी काम अरे आपका गुलाम क्या काम कृपा करके बनारस से मोहब्बे आने कष्ट करे आवश्यक कार्य पड़ गया है ठीक है चलो आ रहा आइए चाचा जी आइए चाचा जी
और परिवर दिगार साहिब ईमान परिवर दिगार साहिब ईमान बना दे जो सच पढ़े कलमा मुसलमान बना दे सलाम वालेकुम। और बताइए चाचा जी, आने में कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, ये बताओ कोई परेशानी? कोई परेशानी हुई? आओ तुम का अंदर कह दे, गेट के अंदर इस तरीके से बोला। हाँ हाँ, बड़े भैया बोला रहे हैं, आइए हमारे साथ। का सारे टोपिया का हमका मुंह नहीं निकला गया था। बेटा ला सब खैरियत है बेटा? बेटा ला क्या चाचा जी? ये बताओ आज अचानक मोहब्बे में कौन सा कार्य अचानक पड़ गया? तुम ना मरी गए हो? ठीक है चाचा जी, मैं आपसे जरूर बताऊंगा। ये हट ठान रहा है और उदय चंद्र बलधारी ए चचा तलंसी क्या है सलाह तुम्हारी? बनरस के सरदार